तो यार सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा पूरी KGF चैप्टर 2 की टीम को, चाहे वो छोटे से छोटा स्पॉट बाय क्यों ना हो, सब लोगों ने मिल के मेहनत की तब जाके KGF चैप्टर 2 मूवी बनी है। और ऐसी बनी है कि मतलब आज तो इसने वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी एट प्रेजेंट 102+ मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं और ये व्यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा मुझे नहीं पता कि कितने व्यूज़ और हो जाएंगे। और 5 मिलियन+ लाइक्स भी हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक अलग तरह का रिकॉर्ड है, और मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड इतनी जल्दी टूटेगा। हालांकि रिकॉर्ड्स हमेशा बनते हैं टूटने के लिए। खैर हम लोग बात करेंगे KGF चैप्टर 1 मूवी की, कि वो इतना ज़्यादा लोगों को पसंद क्यों आई और क्यों वो हमें आज भी देखनी चाहिए। तो बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला रीज़न है उसकी कहानी। देखो अगर मूवी की कहानी अच्छी नहीं होती तो एक्टर चाहे अपनी तरफ से कितने भी एफर्ट्स कर ले, ऑडियंस को वो चीज़ें पसंद नहीं आती। और अगर KGF चैप्टर 1 की कहानी की बात करेंगे तो स्टार्ट से लेके एंड तक उसकी कहानी अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि आप लोग गैस नहीं कर सकते कि नेक्स्ट सीन में हमें क्या देखने को मिलेगा। इवन इसका जो क्लाइमैक्स था वो इतना इंटरेस्टिंग था, इतना एक एज ऑफ द सीट था कि मतलब अब क्या होगा अब क्या होगा। और जो चीज़ें क्लाइमैक्स में थी, मैं तो यहाँ पर आपको दावे से कह सकता कि किसी के बाप ने भी वो गैस नहीं की होगी। सॉरी बुरा नहीं मानना, लेकिन ऐसा मैं बोल रहा हूँ नहीं किया होगा। उसके अलावा इस मूवी में जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो थी इसकी सिनेमेटोग्राफी। इंडिया में आज तक इस लेवल की सिनेमेटोग्राफी किसी भी मूवी में किसी ने नहीं देखा था। जो एक अलग तरह का टोन वहाँ पर यूज़ किया था वो हमने उस तरीके की चीज़ें मोस्टली हॉलीवुड मूवीज़ में देखते थे, लेकिन पहली बार हमने किसी इंडियन मूवी में इस तरीके की चीज़ें देखी, एक अलग एटमोसफियर देखा जो हम लोग सालों से देखना चाह रहे थे। और फाइनली सैंडलवुड की मूवी KGF ने वो कर दिखाया, जो कि एक USP था इस पूरी मूवी का। उसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था इसका BGM। आज भी आपके जहन में KGF चैप्टर 1 का जो BGM है वो ताज़ा होगा। अगर आप लोग आज भी KGF मूवी देखोगे ना तो इसका जो BGM है ना, उस पर्टिकुलर सीन को एक ऐसी जगह पर लेके जा रहा है कि मतलब एक कॉमन सा सीन, अगर आप लोग KGF मूवी गौर से देखोगे, म्यूट करके देखोगे, तो वो सीन आपको कितना कॉमन लगेगा। जैसे रॉकी भाई रास्ते पे रुक के वो एक लेडी को पाव देने का सीन हो, या एक्शन सीन को ही ले लो, माइंड में जाकर एक बूढ़े को बचा के वो जो गुंडे को बाहर लेके आता है, तो उस तरीके के सीन्स हमने पहले भी बहुत सारी मूवीज में देखे यार। लेकिन उस पर्टिकुलर BGM के वो सीन आज भी लोग देखते हैं, और आपको तो पता नहीं लेकिन मैंने वो सीन कई बार देखा है। जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कैरेक्टर्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो लार्जर देन लाइफ है। ऐसे ऐसे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जिनको पूरी मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, और जो अलग अलग शेड्स हमें KGF चैप्टर 1 मूवी में देखने को मिले ना, वो लोगों को बहुत पसंद है। और इवन KGF एक ऐसी मूवी है जिसके हीरो के साथ साथ विलन गरुड़ा को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। जो दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे वो भी ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि KGF चैप्टर 1 सिर्फ एक्शन पैक मूवी है, यानी कि आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको माँ और बेटे के बीच के जो प्यार, जो एक बॉन्डिंग, मतलब वो जो इमोशनल टच इस मूवी में डाला है ना, वो काफ़ी लोगों के आंखों में आंसू डाल जाता। और पता नहीं क्यों मगर ये मूवी में वो सारी चीज़ें थी जो एक परफेक्ट मूवी में होना चाहिए था। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो KGF मूवी में जो परफॉर्मेंस रॉकिंग स्टार यश ने दिया है, मैं आपको यहाँ पर गारंटी से कहता हूँ कि अगर कोई दूसरा एक्टर उस पर्टिकुलर रोल में होता तो वो उतना जस्टिस नहीं दे पाता जितना रॉकिंग स्टार यश ने किया है। उन्होंने उस कैरेक्टर को प्ले नहीं किया, इनफैक्ट उस कैरेक्टर को जिया है। उसमें जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा था, स्क्रीन पे लोगों को बांधे रखा था, एडिटिंग बहुत ही गजब की थी, और जिस तरह से हमें अनंतनाग सर के थ्रू वो पूरी मूवी का नरेशन सुनने को मिला था, वो अलग तरह का गूज़बम्प्स महसूस कर रहा था। KGF चैप्टर 1 एक सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है। इस पर्टिकुलर मूवी का हमारे इंडिया में दूसरी किसी भी मूवी से कोई भी टक्कर नहीं है। हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी डिटेलिंग आपको इस पर्टिकुलर मूवी में एकदम अच्छी तरह से बताई है। और KGF चैप्टर 1 की सक्सेस सबसे बड़ी ये है कि जो कॉमन मैन है, जो एक आम आदमी है, वो रॉकी भाई के कैरेक्टर से इजीली कनेक्ट हो गया, यानी कि रॉकी भाई के कैरेक्टर में उसको सब कुछ देखने को मिला जो वो चाहता है। मेरे हिसाब से ये मूवी को कोई भी इंसान रेटिंग्स नहीं दे सकता, क्योंकि ये बियॉन्ड ही रेटिंग है। कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन होती है, बियॉन्ड होती है हर एक चीज़ से। वो चीज़ को आप किसी भी श्रेणी में डाल नहीं सकते, वो हर एक चीज़ों से सबसे टॉप पे होती है। और मूवी का रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कि सालों साल तक कोई तोड़ पाएगा। हालांकि रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए ही बनते हैं, लेकिन KGF मूवी ने जो लोगों के दिल में रिकॉर्ड बना दिया ना, वो रिकॉर्ड क्या तोड़ पाओगे। आप लोग कागज़ में रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन जो लोगों के दिल में KGF मूवी के लिए प्यार है, इनके कैरेक्टर्स के लिए प्यार है, मूवी के एक्टर हीरो के लिए प्यार है, वो प्यार कभी ख़त्म नहीं कर सकते। वो हमेशा के लिए लोगों के दिल में लॉक हो गया है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा
KGF चैप्टर 2 मूवी जब रिलीज़ होगी वो तो तब देख लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक KGF चैप्टर 1 मूवी नहीं देखी है तो अमेज़न प्राइम पे आपको ये हर लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, हिंदी में भी अवेलेबल है। तो जाओ अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, इस मूवी में आपको फुल टू मज़ा आएगी। लेकिन इस मूवी में वॉयलेंस बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए बच्चे और बुज़ुर्ग के साथ मत देखना, लेकिन अगर आपके घर में सारे एडल्ट्स हैं तो ये मूवी को फुल टू इन्जॉय करो, मज़ा आ जाएगी। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।